यार एक तो ना ठंड बहुत होगी, ये देखो दिल्ली की ठंड। एनीवे, तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो तुम्हारी सक्सेस के लिए होता है डेटिंग के लिए, जब भी तुम बाहर जा रहे हो पिकअप करने या किसी से मिलने, लड़कियों से मिलने अप्रोच करने, बीट नाइट गेम कि तुम क्लब में जा रहे हो या फिर तुम मॉल में जा रहे हो या फिर तुम बाहर पे जा रहे हो कि तुम कहीं पे भी जा रहे हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है तुम्हारा विंगमैन, कौन तुम्हारे साथ है। काफी चीजों का हमारा फायदा होता है उससे, अगर कोई हमारे साथ होता है, अगर एक ग्रुप होता है उनको अप्रोच करना ज्यादा ईजी हो जाता है क्योंकि कोई ख्याल रख सकता है हमारे साथ, या फिर अगर हमारी स्टेट डाउन हो रही है तो वो हमें हेल्प कर सकते, पंप कर सकते, और हमें अकेला सा नहीं फील होता है। बट एक अमेजिंग विंगमैन फाइंड करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, और एक अमेजिंग विंगमैन बनने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं कि जब भी तुम किसी के साथ जा रहे हो क्या रूल्स हैं जो तुम्हें फॉलो करने हैं। काफी सारे रूल्स होते हैं, बट इस वीडियो में आई विल बी कवरिंग द टॉप 10 विंगमैन रूल्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड सो दैट यू कैन बी अ बेटर विंगमैन एंड यू कैन फाइंड अमेजिंग बेटर विंग्स विद यू जो तुम्हारे साथ बाहर जाए और तुम्हें विंग करें। ऑलराइट, लेट्स गो। Welcome back to the video, guys. This is Shitij. You're watching And My Lifestyle. Here we teach you how to go out, talk to people, how to meet people, and then how to get more dates. Alright, so आज हम बात करने वाले हैं top 10 wingman rules की। Now, एक wingman क्या होता है? A wingman is a person जो तुम्हारे एक दोस्त है, hopefully उस दोस्त के साथ तुम बाहर जा रहे हो by the sole purpose of meeting people, ठीक है? तुम बाहर में जा रहे हो वहाँ पे लोगों को approach करने के लिए, कोई साथ रहता है तो ऐसे अकेले सा नहीं फील होता है, बेटर फील होता है वहाँ पे, या फिर तुम दिन के टाइम पे जा रहे हो कोई तुम्हारे साथ है। दो तीन इसके फायदे होते हैं। पहली बात, कोई तुम्हारे साथ है तो तुम्हारा डर थोड़ा कम रहता है कि हाँ ठीक है कोई तो हमारे साथ है, so fear definitely goes down. Number two, you don't feel lonely out there, कि यार मैं बोर हो रहा हूं, तुम एक दूसरे से बात कर सकते हो, और बात करने के साथ साथ भी point number three, वो तुम्हारी स्टेट भी पंप कर सकता है, तुम्हें ज्यादा हेल्प भी कर सकता है, और एक अच्छा सा मूड वहां पे सेट हो जाता है। Another फायदा यहां पे ये point number four is कि अगर एक अकेली लड़की है तो तुम अप्रोच कर सकते हो तो बहुत ईजी है, बट जनरली लड़कियां अकेली नहीं होती है वहां पे, या तो दो लड़की होंगी या तीन होंगी या फिर ग्रुप होगा या फिर लड़के साथ में होंगे, एंड गर्ल्स आर जनरली इन ग्रुप्स ओनली, ठीक है, स्पेसिफिकली क्लब में जा रहे हो या दिन के टाइम पे तुम कभी भी जा रहे हो, मोस्टली यू विल फाइंड पीपल इन ग्रुप्स। तो उस मोमेंट पे इफ यू हैव अ फ्रेंड विद यू जो बाहर गया है तुम्हारे साथ, जो यू नो अगर दो लड़कियों को तुम अप्रोच कर रहे हो, एक से तो वो बात कर रहे हो, एक से तुम बात कर रहे हो, इट मेक्स इट रिलेटिवली वेरी इजी फॉर यू टू गेट रिजल्ट्स। इसलिए एक विंगमैन होना काफी इंपॉर्टेंट रहता है, और मेरी भी लाइफ में मोस्टली विंग्स हैव हेल्प मी मूव फॉरवर्ड इन लाइफ एज वेल, बिकॉज अगर एक विंगमैन बहुत ज्यादा सही है और तुमसे बेटर है तो तुम उनसे बहुत चीजें सीख सकते हो, अगर बेटर नहीं है तुमसे थोड़ा सा नीचे है तो तुम उसको चीजें सिखा सकते हो, और तुम्हारे कंसेप्ट भी खुद रिवाइज हो रहे हैं। अगर तुम लगभग एक सेम लेवल पे होते हो तो उसका और भी फायदा होता है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम साथ में चीजें सीख सकते हो, एंड यू कैन मूव अहेड, सो यू कैन टीच हिम, ही कैन टीच यू, एंड यू कैन टीच ईच अदर एंड पुश ईच अदर फॉरवर्ड एज वेल। अगर तुम्हें कभी डर लग रहा है तो देयर इज समवन टू पुश यू आउट देयर, देयर इज समवन टू कीप यू अकाउंटेबल कि भाई तेरी फट रही है, कैसे नहीं कर रहा है, कर तू जाके। और इसलिए अमेजिंग विंग्स होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो तुम्हारे इंटरेक्शन ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तुम्हारे साथ तुमसे बातें कर सकते हैं, तुम्हारे साथ सेम चीजें देख सकते हो, तुम डिस्कस कर सकते हो, एंड यू बिल्ड एन अमेजिंग रिलेशनशिप विद द विंग एज वेल। मेरी सक्सेस टू अ ह्यूज पार्ट मेरे विंग्स की वजह से भी हुई है, बिकॉज शुरू में जिसने मुझे बताया था पिकअप एंड डेटिंग एंड गेम के बारे में कि ऐसी भी चीजें होती हैं तुम वो सीख सकते हो, वाज वन ऑफ दिस फ्रेंड ऑफ माइन इन कॉलेज एंड ही वाज माय फर्स्ट विंग, तो वो बहुत सी चीजें ऐसी बताता था मेरे को जब हम किसी से बात कर रहे होते थे, उसके बाद में वो चीजें सिखाता था, मैं उसको सिखाता था, एंड धीरे धीरे करते करते बेटर होने लग गया। देन आई हैड मोर विंग्स अलोंग द वे, आई हैड माय ब्रदर, आई हैड मोर फ्रेंड्स, और फिर उसके बाद हमारे क्लाइंट्स भी मेरे विंग्स बनने लग गए, जो बाद में मेरी फ्रेंडशिप उनके साथ बढ़ गई है। सो इस पॉइंट पे देयर आर लॉट ऑफ विंग्स। अब इस पॉइंट पे ऐसा भी हो गया कि एवरीवन वांट्स टू विंग विद मी क्योंकि मैं बेटर हूं, तो काफी सारे रूल्स होते हैं जो तुम्हें दिमाग में रखने, ताकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ए, सो दैट यू कैन बी अ बेटर विंगमैन, बी, दूसरे लोग तुम्हारे साथ विंग करना चाहें, ऑलराइट, एंड सी, यू कैन फाइंड बेटर विंग्स फॉर योरसेल्फ एज वेल। ऑलराइट, सो सर्टेन रूल्स Keep in mind, let's begin with that. Number one, ये fact clear है कि absolutely no one wants to wing with someone जो उससे थोड़ा सा नीचे है। थोड़ा सा नीचे तो ठीक है, but nobody wants to wing with someone who's a complete newbie. Like मैंने 10 साल यहाँ पे डाले हुए हैं, मैं किसी newbie के साथ जिसने आज तक एक अप्रोच करी नहीं उसके साथ बाहर नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग खा जाएगा, क्वेश्चन पूछता रहेगा, कुछ कुछ करता रहेगा, ऐसे बोलेगा भाई ये कैसे करा, ओ भाई वो कैसे करा, और खुद कुछ करेगा नहीं, तो सारा प्रेशर मेरे ऊपर आएगा, एंड इट विल सीम लाइक आई एम कैरिंग डेड वेट विद मी, सो दैट इजंट एनी ऑफरिंग वैल्यू टू मी, उससे कोई फायदा नहीं है, तो आई वुडंट वांट टू विंग विद समवन लाइक दैट। सिमिलरली जब भी कोई मेंटरशिप ज्वाइन करता है, राइट, वी हैव गॉट अ ग्रुप ऑफ एवरीवन हुज टेकन कोचिंग फ्रॉम मी, तो वहां पे 300-400 लोग हैं कम से कम। अब इतने सारे लोग हैं वहां पे, 300-400 लोग हैं, उनमें से कोई भी आता है और न्यू क्लाइंट कम्स इन, ही वांट्स टू विंग विद द बेस्ट पीपल, बट वो लोग क्यों विंग करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने तो खुद अपनी मेहनत करी है, वो दे डोंट वांट टू बी आउट देयर यार अपना टाइम वेस्ट करें, दे आर आउट देयर टू वर्क ऑन देयर ओन डेटिंग लाइफ एज वेल, नोबडी वांट्स अ बर्डन ऑन देम, इवन देन देयर आर वेज दैट यू कैन गो अप एंड यू विल गेट ऑफर सामने से लोगों के लिए, जो लोग बोलेंगे कि यार हमारे साथ विंग करो, बाहर चलते हैं, साथ में जाते हैं। So there are number of ways for you to do that. So mostly no one wants to wing with someone. Now how do you hack it is you have to bring some value. Now this value या तो इसमें हो जाएगी कि तुम दो लड़कियों का ग्रुप पे इंटरेक्ट कर रहे हो या तीन लड़कियों के ग्रुप में अपने विंगमैन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, तो तुम भी जाके साथ में अप्रोच कर सकते हो, या फिर अगर तुम्हारे पास कोई स्किल सेट नहीं है
या तुमने कभी अप्रोचेस करे नहीं है, तो इस पॉइंट पे तुम क्या ला सकते हो, तुम एक एटलीस्ट एक गुड वाइब या गुड इमोशंस तो ला ही सकते हो. मतलब अगर तुम किसी के साथ हो तो तुम उनकी स्टेट पंप कर सकते हो, तुम अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो, तुम खुश रह सकते हो, तुम फन कर सकते हो वहां पे, एंड यू आर ब्रिंगिंग एटलीस्ट गुड इमोशंस, यू आर च्योरिंग हिम अप, यू आर नॉट पुटिंग प्रेशर ऑन हिम. तुम उसको ये नहीं बोल रहे ब्रो ये करके दिखा, या तुमने ये कैसे करा, या कि नहीं तेरे से तो हो नहीं रहा, तुम उस पर हंस नहीं रहे, बट यू लाइक यार ब्रो मैं बहुत ज्यादा खुश हूं यार, इट्स सो एपिक टू मीट यू, चलो करते हैं साथ में, एंड यू लीडिंग द वे, यू आर रेजिंग हिज वाइब अप, एंड यू लाइक ब्रो तू बहुत कूल है, तू सही है, व्हाटएवर, यू आर जस्ट बीइंग वेरी पॉजिटिव. तो तुम उसको कॉन्फिडेंस नहीं गिरा रहे, यू नो मेकिंग हिम सेल्फ कॉन्शियस. सो दैट इज गोइंग टू बी रूल नंबर वन. मोस्टली कीप दिस इन माइंड ऑन ऑल्सो विद समवन एल्स जो उससे नीचे है. सो इफ यू आर गोइंग आउट देयर विद समवन हु इज अबव यू काफी ज्यादा उनके पास एक्सपीरियंस है, मेक श्योर यू आर ब्रिंगिंग सम वैल्यू आउट देयर. पॉइंट नंबर टू इज बी अ बेटर विंग योरसेल्फ. इफ यू वांट पीपल टू विंग विद यू, यू गॉट टू बी अ बेटर विंग योरसेल्फ. दिस इंक्लूड्स हैविंग बेटर गेम, ब्रिंगिंग एन अमेजिंग वाइब, अंडरस्टैंडिंग व्हाट द विंग मैन रूल्स आर, एंड जस्ट बीइंग अ बेटर विंग योरसेल्फ एंड लीडिंग बाय एग्जांपल रादर देन यू नो लीचिंग वैल्यू ऑफ अदर पीपल. तो तुम ऑफर वैल्यू कर रहे हो, जितने भी यहाँ पे चीजें वो वहां पे हो रही है. पॉइंट नंबर थ्री इज हु ओपन्स, हु एवर स्टार्ट्स द इंटरेक्शन, जिसने पहली अप्रोच करी है, ही हैज द फर्स्ट चॉइस ऑफ द गर्ल. दो लड़कियां हैं, तुम और तुम्हारा दोस्त साथ में है, तुम्हारे दोस्त ने बोला मैं ओपन कर रहा हूं, मैं जाके अप्रोच कर रहा हूं, उसने जाके अप्रोच करा, हाय हेलो करा, उसके पास फर्स्ट चॉइस है उन दोनों लड़कियों में से कौन सी पे वो ज्यादा इंटरेस्टेड है. सो नेचुरली ही विल बी इंटरेस्टेड इन द मोर अट्रैक्टिव वन. सो यू कैन नॉट कम इन एंड टेक दैट गर्ल जिससे वो इंटरेस्टेड है. यू कैन नॉट बी लाइक यार मैंने अप्रोच करा उसको मैं पसंद आ गया तो बेटर, नहीं, दैट गोज अगेंस्ट द विंग मैन रूल्स. जो अप्रोच करेगा विल हैव फर्स्ट चॉइस ऑफ द गर्ल. कीप दिस इन माइंड, डोंट बी अ फकिंग डिक. ऑलराइट, सो व्हेन यू आर गोइंग इन विंगिंग विद दैट गाय, तुम्हारा काम है दूसरी लड़की को एंगेज करना, इवन इफ यू नॉट इंटरेस्टेड इन हर, एटलीस्ट एंगेज करना सो दैट योर फ्रेंड कैन हैव सम क्वालिटी टाइम विद द अदर गर्ल एंड बिल्ड अट्रैक्शन और उसका वहां पे कुछ हो जाए. सो दैट्स व्हाट अ गुड विंग डज रादर देन गोइंग इन एंड स्टीलिंग समवन एल्सस गर्ल. पॉइंट नंबर फोर, बहुत बारी मैं देखता हूं यार दो लोग जाते हैं इंटरेक्शन में और ये बहुत सारे क्वेश्चन ना मेरे क्लाइंट्स के साइड से आते हैं और उनकी काफी लड़ाइयां होती है विंगिंग के टाइम पे, तो हमें आके सॉर्ट करना पड़ता है मेंटरशिप पे. कई बार ये होता है दो लड़कियां हैं, दो लड़के गए बात करें, एक लड़का उधर बात कर रहा है, मतलब दोनों साथ में ही है ऑफ कोर्स, एक एक लड़की से बात कर रहे हैं, दूसरे एक लड़की से बात कर रहा है. अब जैसे मैं बात कर रहा हूं हो गया सब कुछ अच्छे से जा रहे, तो मैं उसका नंबर ले लिया और बिना इसको बताए बिना कम्युनिकेट करे चला गया और वहां पे दैट गाय इज जस्ट स्टैंडिंग देयर, इज लाइक ये कहां गया, एंड द अदर गर्ल इज लाइक तुम्हारा दोस्त चला गया तुम नहीं जा रहे हो, एंड द अदर गर्ल इज लाइक ओ शिट वो तो चला गया तुम यहां पे क्या कर रहे हो, and you're like I don't know why the fuck he left. वहाँ पे कोई communication नहीं है, that bad communication, and it just gets so awkward and you don't know what the fuck happened, that guy fucking bailed. यहाँ पे काफी problems है, एक तो awkwardness create हो जाती है and the girls are starting to think now even if कि तुम लोग दोस्त थे भी या नहीं, तो वो ही पूरा पार्ट क्वेश्चन हो रहा है कि यार कौन ऐसे करता है कि चला जाता है और अपने दोस्त को छोड़ के, तुम साथ में ही जाओगे ना वहाँ पे, तो जब तुमने interaction enter करा है साथ में या तुम थोड़ी देर बाद गए हो अपने फ्रेंड को विंग करने के लिए वहां पे, तुम जाओगे तो साथ में ही ना, तो अगर तुमने फोन नंबर ले लिया है या तुम्हारा इंटरेक्शन बढ़िया चला गया है, डू नॉट फकिंग लीव, यू आर अ विंगमैन योरसेल्फ इवन इफ यू ओपन द इंटरेक्शन. अगर तुमने अप्रोच करी है तब भी तुम्हें विंग करना पड़ेगा अपने फ्रेंड को, तो डू नॉट लीव टिल द टाइम योर फ्रेंड्स इन द इंटरेक्शन अनलेस इट्स कम्युनिकेटेड कि वो उस लड़की में इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज तुम्हें नंबर मिल गया, क्या पता उसको भी नंबर लेना हो ना, उसको भी बातें करनी हो, उसको आगे बढ़ाना हो, या फिर ही माइट बी ऑन टू समथिंग, तुम नंबर लेके भाग रहे हो और वो वहां पे इंस्टेंट डेट हो रही है या वो बात आगे भी बढ़ रही है कि तुम आफ्टर पार्टी के लिए जा रहे हो कहीं और जा रहे हो, सो यू विल लूज दैट इंटरेक्शन ऑफ दैट. तो कम्युनिकेट करो कोई बेशक अपने कम्युनिकेशन वगैरह उससे पूछ लो क्या चल रहा है व्हाटएवर आंखों आंखों में बात करके, देयर नीड्स टू बी सम कोड और सम शिट ऑफ दैट कि तुम अपने विंगमैन को ऐसे ही मिडल ऑफ द बैटलफील्ड छोड़ के नहीं भाग रहे हो, तो दैट नीड्स टू बी डेफिनेटली कम्युनिकेटेड. रूल नंबर फाइव, एक एग्जांपल और लेते हैं. एक लड़के ने अप्रोच करा दो लड़कियों को, वो बात कर रहे हैं जा रहे हैं ठीक है, दूसरा लड़का आके ज्वाइन करता है मिलवा दिया व्हाटएवर, ही स्टार्टेड टॉकिंग टू द अदर गर्ल और यहाँ पे एक एक से बात कर रहा है. अब क्या करते हैं ना, दूसरा बंदा तुम्हारे इंटरेक्शन में घुसना स्टार्ट कर देगा, तुम्हारी जिस लड़की से तुम बात कर रहे हो ही इज गोना स्टार्ट टॉकिंग टू दैट गर्ल, एंड दैट्स सो फकिंग अनोइंग. व्हाई, और ये पता लोग क्यों करते हैं, क्योंकि He does not know what the fuck he needs to talk about with his girl. और वहाँ पे उसका कुछ बन नहीं रहा है. That girl is not replying to him, or he is just blanked out. यहाँ पे वो देख रहा है तुम्हारा interaction बहुत सही चल रहा है. So because उसका सही नहीं चल रहा, he will switch to yours. If you're that person who's doing that, that is fucking crazy shit. बहुत लोग आते हैं, एक तो जिनको गेम आता नहीं है, right? जिन्होंने कभी wing नहीं करा मेरे साथ. मैं अगर उनको मिलवा भी दूँ एक लड़की से, उन्हें मेरी ही लड़की से बात करनी है, क्योंकि वो ज्यादा reply कर रही है, और वो reply क्यों कर रही है? क्योंकि मैं उससे बात कर रहा हूँ, मेरे को कर रही है. इन्हें लगता है कि जब ये switch करेंगे and they'll start talking to my girl, she'll be as interested in them. No, she'll stop replying. And कई बारी मैं क्या करता हूँ, अगर मेरा दोस्त होता है अच्छा सा, मैं कुछ नहीं कहता हूँ and I switch to the other girl, मैं दूसरी लड़की से बात करने लग जाता हूँ. तो ये हरामी लोग, वहां तो फिर कुछ नहीं होता है उधर, एंड इस लड़की को मैं फिर से इंटरेस्टेड कर देता हूँ, एंड शी इज अगेन लाफिंग, शी इज लाइक इट्स ए गुड हाई एनर्जी वाइब, और वो दिखता है यहाँ पे तो हंसी मजाक हो रहा है, यहाँ पे तो इंटरेक्शन बहुत अच्छे से जा रहा है, एनी वांट्स टू स्विच अगेन. द मोस्ट फकिंग अनोइंग शिट, द मोस्ट फकिंग अनोइंग शिट, इफ यू डूइंग दैट स्टॉप फकिंग डूइंग इट.
प्लीज कीप दिस विंग मैन रूल इन माइंड. तुम किसी के साथ भी विंग कर रहे हो ना, उसको ये वीडियो बिल्कुल भेज देना ताकि ये चीजें प्रॉब्लम में ना आए आगे. रूल नंबर 6, डोंट बी अ बर्डन टू योर विंग. डोंट बी अ डेड वेट, डोंट बी अ बर्डन टू योर विंग. अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी से, वहां पर जाके साइड में बस खड़े मत रहो यार, तुम भी बात करो. एंड डोंट बी लाइक कि दो लड़कियां हैं और मैं ही बातें करे जा रहा हूँ. एंगेज वन गर्ल, कम ऑन, टेक वन फॉर द टीम. समटाइम्स ये भी होता है कि यू नॉट इंटरेस्टेड इन द अदर गर्ल. लेट्स से दो लड़कियां हैं, एक बहुत अट्रैक्टिव है और दूसरी में तुम इंटरेस्टेड नहीं हो, तुम्हारा विंग एक में इंटरेस्टेड. एंड यू लाइक यार मैं क्यों ही बात करूं. नहीं, यू गॉट टू टेक वन फॉर द टीम, यू आर अ विंग मैन. इफ यू टेक वन फॉर द टीम, ही इज गोना हेल्प यू आउट नेक्स्ट टाइम. तो एटलीस्ट तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस एंगेज करना है. यू डोंट हैव टू फ्लर्ट विद हर, यू डोंट हैव टू बिल्ड अट्रैक्शन विद हर, बट तुम इंसान के जैसे तो बात कर सकते हो अपने विंग के लिए, अपने दोस्त के लिए जिसने कितनी तुम्हें पास्ट में हेल्प करी है. नहीं करिए तो फ्यूचर में ये रिलेशन तुम्हारा कितना बेटर होने वाला है. सो यू हैव टू टेक वन फॉर द टीम. डू नॉट बी लाइक यार मुझे यार इसमें तो एक ही अट्रैक्टिव लड़की है, दूसरी अट्रैक्टिव नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ यहाँ से. डोंट डू दैट, नॉट कूल. Don't fucking do that. Point number 7. You are out there with your wing. Your wing goes and approaches someone. ठीक है, तुम्हारे दोस्त ने जाके किसी को अप्रोच कर दिया, एक ही लड़की को. अब तुम अकेले हो, तुम ऑकवर्ड हो, तुम क्या करते हो, तुम नेचुरली उसके साथ चले जाते हो वहां पे. एंड नाउ इट्स टू गाइस टॉकिंग टू वन गर्ल. रैंडम बंदे को उस लड़की को अप्रोच करना इज टू मच प्रेशर. अब वो तो कर ही रहा है, उसका दोस्त भी आ गया है और वो दोस्त उसके इंटरेक्शन में भी घुस रहा है. इट मेक्स द गर्ल मोर अनकंफर्टेबल, नंबर 1. नंबर 2, इट ब्रेक्स द फ्लो ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ योर फ्रेंड. तो जो उसका अच्छे से जा सकता था वो तुमने आगे, यू ट्राई टू हाईजैक द सेट, यू ट्राई टू हाईजैक द इंटरेक्शन, व्हिच इजंट कूल. सो स्टॉप डूइंग दैट एज़ वेल. लीव. ऑलराइट, तुम अपने दोस्त के साथ, आइडियली दिस इज हाउ इट शुड लुक. तुम अपने दोस्त के साथ जा रहे हो, वहां पे एक लड़की है, वो गया अप्रोच करने, तुम सीधे ही सीधे चुपचाप निकलो. माइंड योर ओन फकिंग बिजनेस, गो आउट देयर, लुक फॉर समवन एल्स दैट यू कैन अप्रोच. स्टॉप गोइंग इनटू द इजी सेट एंड सब कुछ फक अप करना वहां पे. ऑलराइट, स्टॉप टेकिंग द इजी वे आउट. Shut the fuck up. Point number 8. कई बार लोग क्या करते हैं, उसके फ्रेंड ने अप्रोच कर दिया तो वहीं खड़े होंगे ना, दिखते रहेंगे, ऐसे ही दिखते रहेंगे दूर से. अरे क्या चल रहा है, अरे भाई ऐसे खड़े होते हैं. एंड द गर्ल लुक्स ऐसे आसपास एंड शी लाइक व्हाट द फक इज दिस गाय स्टेयरिंग एट. एंड वहाँ पे उसने, तुम्हारे फ्रेंड ने बोल रहा है यार मैं तो अकेला हूँ, व्हाट द फक इज दिस गाय स्टेयरिंग एट. और इतना वियर्ड लगता है वहाँ पे ना, इट्स डोंट डू दैट. डोंट स्टैंड आउट देयर ऐसे ही स्टेयरिंग एट देम. बी आउटसाइड द फील्ड ऑफ व्यू, द पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ पे तुम दिखोगे नहीं. गो समवेयर एल्स, डू योर ओन इंटरेक्शन इवन बेटर. नहीं तो अगर तुम्हें देखना भी है कि छुप के देख लो यार, ताकि दिखे ना, दूसरे फ्लोर से इधर उधर से थोड़ी दूर से, सो दैट यू नॉट क्लियरली विजिबल व्हाट इज हैपनिंग. ऑलराइट, सीधे घुस के कान लगा के सुन रहे हैं कि क्या चल रहा है. तुम्हें तो सुनाई दे रहा है, तुम्हें तो मजा आ रहा है, बट उधर तुम्हारे फ्रेंड का इंटरेक्शन खराब हो जाएगा. डोंट डू दिस, इट्स अ फकिंग डिक मूव, फकिंग सेल्फिश. सिमिलरली इसमें एक और चीज करते हैं लोग, एक तो ऐसे सुन रहे हैं और राइट वहीं पे खड़े हुए हैं. सेकेंडली क्या करते हैं, जब वो इंटरेक्शन हो रहा है ना, यू टॉकिंग टू द गर्ल एंड योर फ्रेंड इज देयर, दे कम बैक टू द फ्रेंड. लाइक जैसे मैं खड़ा होता हूँ, मैं कभी किसी को विंग कर रहा हूँ या मैं कभी कोच कर रहा हूँ, राइट, आई एम वेटिंग देयर एंड आई एम लुकिंग साइड से कहीं पे, आई एम जस्ट सीइंग एंड आई एम आइसोलेटेड नाइसली. नाउ वंस द गाय फिनिशेस द इंटरेक्शन, द गाय कम्स स्ट्रेट टू मी. एंड ऑफकोर्स लड़की ने मेरे को पहले देख लिया, देन अगेन इट सीम्स लाइक व्हाट इज द फिशी थिंग दीज गाइस आर डूइंग, क्या चल रहा है, ब्ला 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 ब्ला. It does not look good. Alright, so don't go back there. Walk in the opposite direction completely. और फिर आगे जाके कहीं पे तुम अपने विंग से मिल सकते हो, rather than in front of her directly. And finally, point number 10. If you're new to all of this, और तुम किसी experienced बंदे के साथ बाहर जा रहे हो बात करने and you're going out there to game, number of times what's gonna happen is you will be stuck on fucking theory. जो बहुत बारी ऐसे लगता है, अगर मैं किसी के साथ जाता हूँ, does not have enough experience. He's like, yeah, but bro, मैंने तो वीडियो में ये सुना था, मैंने तो ये पढ़ा था, क्षितिज ने तो एक वीडियो में ये बोला था, इसने तो ये बोला था, और यहाँ पे तो ऐसे नहीं हो रहा है. You should have done this, you should have done that. और repeatable questions. यार bro, ये कैसे किया? यार bro, ये कैसे किया? अच्छा, ये कैसे किया? और बताओ ये कैसे किया? अगर ऐसे हो जाता था ऐसे, ऐसे हो जाता ऐसे. And you're not taking enough action. थ्योरी में पड़े रहना ना, गेटिंग स्टक ऑन थ्योरी, बीइंग लाइक यार प्रैक्टिकल तो अलग हो रहा है, थ्योरी में तो ऐसे होता है, या फिर पिन पॉइंटिंग मिस्टेक्स, तूने ये गलत कर दिया, तूने ये गलत कर दिया, और जस्ट आस्किंग फकिंग क्वेश्चन, जस्ट चप 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 एंड नो अप्रोचेस ऑन योर एंड, इट्स जस्ट फकिंग अननोइंग. Shut the fuck up. Don't get stuck on theory. Go out there. Take action. Action लो. तुम्हारा विंग अप्रोच कर रहा है, तुम भी अप्रोच करो. बकवास करनी बंद करो कि ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, या फिर यार ये कैसे वर्क हो गया, मैंने तो पढ़ा था ऐसे होना चाहिए. थ्योरी इज नॉट एवरीथिंग. प्रैक्टिकल स्टफ, इनफील्ड स्टफ विल ट्रम्प थ्योरी एनी डे, ऑलवेज ओवर इट. एनी गाय जिसको अगर थ्योरी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, वो कोई रूल्स नहीं फॉलो कर रहा, उसने कोई वीडियोज नहीं देखी है, उसको कुछ भी नहीं पता है, बट वो एक्शन ले रहा है, इज मच बेटर देन द गाय जिसने इस चैनल की सारी वीडियोज देखी हुई है. क्लियरली सेड, यू हैव टू टेक एक्शन, यू हैव टू गो आउट देयर, डोंट बी अ थ्योरी जंकी. प्लस किसी के साथ विंग करके उसकी स्टेट मत डाउन करो, उसको हेड में मत डालो, लॉजिकल माइंड में. दिस इज जस्ट वे फॉर यू टू प्रोक्रेस्टिनेट एंड नॉट डू द अप्रोचेस योरसेल्फ. फॉलो दीज 10 टिप्स on how to be a better wing yourself, and once you start following these tips, you'll also start to see ki dusre log
वुड वॉन्ट अ विंग विद यू एज वेल. अगर तुम किसी पार्ट ऑफ अ ग्रुप हो, जैसे हमारे मेंटरशिप वाला ग्रुप है व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, वहाँ पे लोग पोस्ट करते रहते हैं पूरे टाइम कि आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया. सो वैन पीपल रीड दोज फील्ड रिपोर्ट्स, वैन पीपल रीड कि अच्छा तुम्हारी प्रोग्रेस कैसे चल रही है, दी अदर पीपल गेट इंस्पायर्ड एंड दे सीक यू आउट टू गो आउट विद यू कि ब्रो मुझे तुम्हारे साथ विंग करना है, मुझे तुम्हारे साथ जाना है. सो शुरू में वेर यू हैड नो चॉइस ऑफ अ विंग और तुम्हें अकेले ही करना पड़ता था, नाउ देर आर अदर पीपल हिटिंग यू अप टू गो आउट विद यू. डोंट बी रिलायंट ऑन फाइंडिंग अ विंग टू गो आउट. अगर एक विंगमैन है किसी के पास तो बहुत ही सही है, बट अगर नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं. एंड दिस इज अ क्वेश्चन दैट वी ऑल्सो गेट इज लाइक ब्रो मेरे से अकेले नहीं होता है. अगर अकेले नहीं होता है तो यार उसके ऊपर आई एम श्योर आई कैन मेक अ वीडियो, बट अगर उसको मैं समराइज करूं द पॉइंट इज यू हैव टू गो आउट देयर और बस आदत डालनी पड़ेगी तुम्हें करना ही पड़ेगा बिकॉज यू कैन नॉट बी रिलायंट ऑन अ विंग फॉर लाइफ. यू कैन नॉट बी लाइक यार आज मैं बाहर घूम रहा हूं. नॉर्मली लेट्स अज्यूम तुम बाहर घूम रहे हो एंड यू सी मेगन फॉक्स अपने सामने, राइट? मेगन फॉक्स, गॉड डैम क्या करें, you're not going to be like, यार विंगमैन को फोन कर रहा है, अरे यार ब्रो आजा अप्रोच करवा दे. नहीं, that's not how it's going to work. So you have to build those faculties where you can alone go out there and do it. And जब लोग तुम्हारे रिपोर्ट्स पढ़ेंगे या लोग तुम्हारी प्रोग्रेस देखेंगे या तुम्हारी चीजें बेटर रहेंगी, then other people will wanna come out with you and wing with you as well. All right, use these tips to make your game better, to go out with people. Let me know if this helps as well. This is going to be all from my side. This is Kshitij signing off. I'll see you in the next video. Peace, boys.